इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। पाकिस्तान में जबरन शादी का शिकार हुई भारतीय महिला उज्मा ने भारत लौटने के बाद कहा है कि पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहां जाना आसान है लेकिन निकलना मुश्किल। उज्मा ने कहा कि पाकिस्तान में महिला क्या, पुरुष भी सुरक्षित नहीं। उज्मा ने यह भी कहा कि दुनिया भर में भारत जैसी कोई जगह नहीं, महिलाओं को यहां बहुत अधिकार दिए गए हैं। उज्मा ने भारत लौटकर आने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि मेरा बचकर आना बहुत मुश्किल था। वहीं सुषमा स्वराज ने उज्मा की वापसी में मदद के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय का धन्यवाद किया। पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो, बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। सुषमा मैम ने मुझे बताया कि इंडियन सिटीज़न होना ये अपने आप में एक प्राउड है। जब मैं वहाँ पर जाती थी तो सुषमा मैम का रोज़ाना मेरे पास कॉल आता था कि बेटा फिक्र नहीं करना, हम हैं यहाँ पर, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, तुम हिंदुस्तान की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। ये मैम जब बोलती थी मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। जेपी सर मुझे आकर बताते थे कि आज सुषमा मैम का कॉल आया, आज तुमसे बात नहीं हो पाई बट मैम ने ये मैसेज दिया है तुमको। उससे मेरी हिम्मत बनती थी कि मेरे लिए मैम इतना कर रही है, मेरे लिए मेरे भारत की सरकार इतना कुछ कर रही है, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ये एक सुखद संयोग है, गोपाल साक्षी हैं कि अपना उद्बोधन देते हुए अपने हाई कमिश्नर्स को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि दो वर्षों के तुम्हारे काम को देखने के बाद मैंने एक घोष वाक्य बनाया है जो पूरे मीडिया कैंपेन में चल रहा है, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। ये हमारे हर कैंपेन में चल रहा है, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। और मैंने कहा मुझे लगता है कि आप सब इस कसौटी पर खरे उतरेंगे क्योंकि ये आपके लिए बना है। मुझे नहीं मालूम था कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसा अफसर जो इसको यहाँ बैठे सुन भी नहीं रहा वो ये सच करके दिखा देगा कि हाँ, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास।